तो गाइज जैसे कि आपने पिछली मिनी ब्लॉग देखी होगी कि मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर पे जो कि ऐसे खड़े होके अभी सुन रही है, तो उसके ना फेस पे काफी सारे ना डेड स्किन है प्लस सन टैन हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए आज मैं DIY मास्क बताऊंगी जो कि मैंने सेकेंड लॉकडाउन में काफी यूज किया था क्योंकि शॉप्स काफी बंद थी और फेस वॉश वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो बहुत ही इजी मास्क रहेगा, उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हमारे किचन में बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है। तो मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन, अगर आप एक जने हैं तो 1 टेबलस्पून लीजिए, अगर दो, क्योंकि हम दो हैं तो हम 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे, दो भी नहीं लेंगे एक्चुअली हाफ लेंगे, सो 1.5 टेबलस्पून बेसन हो गया। 1 चम्मच शहद ले लिया हमने, इससे आपके जो फेस पे अनवांटेड हेयर है वो रिमूव हो जाएगा, प्लस ये हाफ लेमन का जूस लेना है जो कि आपको स्क्वीज कर लेना है, ये पूरा लेमन का जूस अच्छे से निचोड़ लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, ये जो आप लम्स देख रहे हैं लम्स नहीं बनाने। तो गाइज ये है इसकी स्किन, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टैन हो रखा है और कितने सारे मार्क्स भी हैं, और मैं ये आपको इसके जब हम ये पैक लगाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सो हमारी लड़की काफ़ी घबरा रही है, उसे लग रहा है कि मैं उसका शोषण कर रही हूँ उसकी स्किन दिखा करके, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसको हम फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने से पहले स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है कि मैंने अभी क्लिंजर से स्किन को क्लियर कर लिया, मतलब फेस वॉश कर लिया, अगर आपके पास कोई फेस वॉश है आप उससे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद इसको बहुत ही जेंटली वे में स्किन पे अप्लाई करना है। तो गाइज ये जो है मास्क हमें फेस पे अप्लाई करना है, चलो अप्लाई करो, अप्लाई करना। तो आपने देखा स्टार्टिंग में कितने नखरे कर रही थी, तो मेन पॉइंट ये होता है कि इनिशियली फर्स्ट स्टेप जब आप लेते हो ना तो उसके बाद सामने वाला पर्सन जो खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसी तरीके से हमने ये फेस मास्क अच्छे से लगा लिया है, बट इसने अंडर आईज के नीचे नहीं लगाया जो कि हमें लगाना चाहिए क्योंकि इससे जो डार्क सर्कल होते हैं ना वो बहुत लाइट हो जाता है, मतलब ऐसे इंस्टेंट तो नहीं हटेगा कुछ भी बट बिल्कुल एक टाइम के साथ, अगर आप इसे वीकली में हफ्ते में 2 बार या मंथली में 5 टाइम अगर मंथ में आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमने लगा लिया इसको, 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद बहुत ही जेंटली और स्मूथली से स्क्रब करना है। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हमें बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है, अब अपवर्ड मोशन में करना है, करो करो, अरे मैं करूँगी अभी तुम्हारा, करो तो बिल्कुल नेक का एरिया भी आपको कवर करना है, अपर लिप्स नोज एंड जो आपने पूरी रात रात जग के फोन चलाया होता है डार्क सर्कल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो वेलकम बैक, आप देख सकते हो कितनी खिलखिलाती हुई स्किन लग रही है इसकी। सो ये जो पैक लगाया है उसके बाद जो आप एक ग्लो देख रहे होगे, एक शाइननेस जो देख रहे होगे फेस पे, क्योंकि इसमें जो बेसन डलता है वो स्किन को डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, जो कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, आप देखो इसकी स्किन देखो पीछे यहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइस ये स्किन इस तरीके से कुछ हो गया काफ़ी सारा, और आप देख सकते हो कि पिम्पल्स और ज़्यादा दिखने लगे, यानी कि स्किन पे जितनी डेड स्किन थी जितने सन टैन थे वो सब रिमूव हो चुका है Obviously, और या दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज वीडियो, क्योंकि आप स्किन आप देख ही चुके हो और कितना, अगर आप ये हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करोगे ना तो डैम श्योर आपके जितने भी जो सन टैन है प्लस आपका जो यहाँ पे अंडर आई के नीचे जितने भी आपका डार्क सर्कल हो जाता है और प्लस ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपको फ्लॉलेस लुक देता है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फोटो ले रहे हो ऐसे ऐसे तो कर रहे हो, गया चल।